हेलो हेलो, आइए सर, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक हो गया था ना सर? तो देखिए, कलर कोड क्या है, आपको तीन चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। बड़ा बढ़िया समझिएगा, हम समझा देंगे आपको। कलर कोड में डिजिट, मल्टीप्लायर एंड टॉलरेंस। टॉलरेंस दो ही कलर का होता है, एक होता सुनहरे का, एक होता सिल्वर का। टॉलरेंस वही कलर का होता है, एक होता है सुनहरे का यानी गोल्ड का, और एक होता है किसका, सिल्वर का। डबल बढ़िया वाला व्यवस्था के साथ कहते हैं कि एक होता है गोल्ड, दैट इज सुनहरा, और एक होता है सिल्वर। गोल्ड का होता है 5%, सिल्वर का होता है 10%। क्या टॉलरेंस, मल्टीप्लायर सब फिक्स है, ये आपको याद रखना होगा। 0 to the power 1 यानी दिस इज इक्वल टू 1, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.1, 0.001, ये हो गया मल्टीप्लायर। क्या हो गया ये? और ये डिजिट है। आप बोलोगे ये सब क्या बकवासगिरी कर रहे हो सर, क्या मामला है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा? आप अभी इसको याद मत करो, डोंट रिमेम्बर दिस। आप गौर से देखो, यहाँ डिजिट में 0 है ब्लैक के लिए, यहाँ 10 to the power 2 है, लेट अस सी। यहाँ अगर 0 है तो यहाँ 10 to the power 0 है, अगर यहाँ 1 है तो ये 10 to the power 1 है, 2 है 10 to the power 2 है, यहाँ 3 है 10 to the power 3 है, यहाँ 4 है 10 to the power 4 है, यहाँ 5 है 10 to the power 5 है, यहाँ 6 है 10 to the power 6 है, 7 है 10 to the power 7 है। अगर हमको ये याद हो गया तो ये अपने आप याद हो जाएगा। पर इसको तो सिर्फ दो ही कलर है यहाँ पर, सोना और चांदी। अब सोना चांदी में आपको डाउट क्या खाएगा तुम, कि किसका प्लस माइनस 5% है, किसका प्लस माइनस 10%। इसको कर देगा 10, इसको कर देगा 5, पलटी ने मारना है। इसलिए G4 gold होता है, S4 silver होता है। पहले ABCD में G होता है, बाद में S होता है, पहले 5 होता है, बाद में 10 होता है। सेटिंग बैठा, किसी का पैसा लेते हैं। पहले G होता है, बाद में S होता है, तो गोल्ड के लिए हो जाएगा प्लस माइनस 5% और सिल्वर के लिए हो जाएगा कितना परसेंट, 10%। मेरे मित्र, इसको याद करने से ये अपने आप याद हो जाएगा। आ ई हम याद करवा देंगे इसका ऑर्डर। अगर हम ऑर्डर याद करवा दिए तो इसको भी याद नहीं करना पड़ेगा, आ इसको नहीं याद करना पड़ेगा तो इसको नहीं याद करना पड़ेगा, आ इसमें तो कुछ है ही नहीं है जो याद करना पड़ेगा। क्या अगर हम इस ऑर्डर याद कर लें हमारा काम? आप बोलोगे सर यहाँ 10 to the power 9 के बाद तो सर मामला गड़बड़ है, ये दोनों कुछ भी नहीं करता, इसलिए कर जरूरत नहीं है। क्या पूछता है इतने, इतना कैसे याद रखेंगे? अगर हमको ये पता चल जाए ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, ये क्या ऑर्डर है, अगर ये ऑर्डर पता चल जाए तो हम कहेंगे पहला, अच्छा 10 to the power 0 होगा, पहला के लिए 0 होगा, तो पहले कौन है ये तो पता चले। दूसरा के लिए 1 होगा, तीसरा के लिए होगा डिजिट में, अब मल्टीप्लायर में 10 to the power 2 हो जाएगा, और तीसरा के लिए 10 10 to the power कितना हो जाएगा, 3, और चौथा के लिए, चौथा ने 1 2 3 4 5, पांचवें के लिए 4 और 10 to the power 4 हो, ये कम हो रहा है। अगर हमको ये ऑर्डर पता चल जाए, हमको कहेगा नारंगी के लिए डिजिट कितना, तो नारंगी के लिए डिजिट हम पता चल जाए 1 2 3 4 चौथे नंबर पे, तो हम कहेंगे 3 3, कहेगा मल्टीप्लायर कितना 10 to the power 3, कहेंगे टॉलरेंस होवे नहीं करता है। अगर हमको ये ऑर्डर पता चल जाता, जाए नंबर पे होगा उससे एक कम डिजिट होगा और उतने पावर में मल्टीप्लायर होगा। टॉपिक हम बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, चला बढ़िया से पढ़ो ना, हम भी सीखे थे ना, एक दिन 2 घंटा बैठ के खाली यही पढ़े, जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तब अच्छे से समझ में आ गया कि इसका सब जुगाड़ था। अब मास्टरवा जो है आओ 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 कर देता था, हम लोग का कलर कोड निकलवे नहीं करता था। एग्जाम हॉल में जाए तो पता चला कलर कोड निकल नहीं रहा, क्योंकि मेमोराइज नहीं हो पा रहा है। और हम आपको सर वो सारी बातें बताएंगे कैसे आपको करना है। अब जैसे किसी का अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये आप देखिएगा, फटाक से आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ऐसे करना है, अच्छा ऐसे करना है। कार्बन प्रतिरोध किसी का भी निकालना है तो पहला तथा दूसरा का कलर कोड, पहला और दूसरा का ये है कलर कोड, पहला और दूसरा का कलर कोड, तीसरा का मल्टीप्लायर, चौथा का टॉलरेंस। पहला और दूसरा का कलर कोड
डिजिट, पुनः तीसरा का मल्टीप्लायर, तीसरा रंग का, थर्ड रंग है ना, आप चौथा का टॉलरेंस प्लस माइनस में, चौथा का टॉलरेंस जो आ जाएगा वो ऑलरेडी उसके पिछवाड़े में प्लस माइनस लगा हुआ है। पहला और दूसरा का कलर कोड, तीसरा का मल्टीप्लायर और चौथा का टॉलरेंस, अगर तीनों को डिजिट रहेगा, अगर कई को डिजिट रहेगा, तीनों को डिजिट रहेगा, चौथा में अपने मन से प्लस माइनस 20% ले लेना है। क्योंकि सर गोल्ड और सिल्वर, तुम कहोगे सर इसमें तेरे मन में बहुत सारा सवाल आएगा, कहोगे सर चौथा डिजिट में आप अगर मान लीजिए गोल्ड और सिल्वर होगा तो टॉलरेंस इतना और इतना ले लेंगे, अब मान लीजिए लाल रहेगा तब ऐसा रहवे नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे तुम्हारा सवाल उस फॉर्मूले से नहीं बनेगा। अगर ऐसा होता तो फॉर्मूला बनवे नहीं करता। हम बोले पहला और दूसरा का कलर कोड यानी डिजिट, तीसरे का मल्टीप्लायर और चौथे का टॉलरेंस, पहला और दूसरा का कलर कोड, तीसरे का मल्टीप्लायर और चौथे का टॉलरेंस। अब देखिए हम आपको बताते हैं क्या मामला है। देखो क्या दिया है, हरा पीला और हरा, क्या दिया, हरा पीला और हरा, हरा पीला क्या दिया है जान हमर, हरा पीला और हरा तथा सुनहला, तथा भूरा और पीला का तुमको पहला और दूसरा का डिजिट लिखना है, तीसरा का मल्टीप्लायर लिखना है और चौथा का टॉलरेंस लिखना है, आंसर आ जाएगा। देखो तो भूरा और पीला का डिजिट क्या है, कितना है, अरे भूरा पीला हरा और सुनहला, देखो भूरा क्या क्या है, भूरा है, पीला है और क्या है, हरा सुनहला, पहला और दूसरा का कलर कोड, पहला और दूसरा का कलर कोड यानी भूरा और पीला, भूरा यहां पीला यहां, कितना हो गया, एक चार, यहां लिख देंगे एक चार, लिख दिए। तीसरे का टॉलरेंस, तीसरे का मल्टीप्लायर हरा, हरा का मल्टीप्लायर कितना है, 10 to the power 5, और चौथे का टॉलरेंस, चौथा सुनहला, प्लस माइनस 5% आंसर। यही सॉल्यूशन है, हाँ खत्म, क्वेश्चन बनाना बन जाएगा, आसान है, चला खाली थोड़ा सा दिमाग का एडजस्टिंग का गड़बड़ी है, एडजस्टिंग ठीक से हो गया, कलर कोड निकालना तो क्यों का कमाल है, पहला और दूसरा का डिजिट यानी कलर कोड, ये कलर कोड है, तीसरे का मल्टीप्लायर, चौथे का टॉलरेंस, अगर चौथा डिजिट, अब इसमें तुम्हारे दिमाग में 13 को सवाल निकलेगा, 13 को सवाल क्या निकलेगा, अगर चौथा रंग नहीं दिया हुआ रहे तब अपने मन से 20% ले लेना, इसके अलावे तो कुछ भी जो सोच रहा है वैसा कुछ देवे नहीं करे, इसलिए सोचना मन में बहुत सारा, आंसर में नहीं जाना है क्योंकि वैसा सवाल रहता तो उसके लिए स्पेशल कंडीशन का फॉर्मूला रहता। ये अब देखिए आ जाइए इधर, ये हो गया, ये देखो यदि केवल तीन रंग दिया हो तो चौथे था टॉलरेंस ना होता है, तो चौथे रंग के लिए अपने मन से कितना परसेंट ले लेना, प्लस माइनस 20% ले लेंगे आंसर। प्रतिरोध है सर तो हमने लिखिएगा, एक जुगाड़ दिया हुआ होगा, इसमें नहीं है, इसमें दिया हुआ है, देखिए अब मामला ये है, इसको याद करना होगा, इसको याद न करना होगा,
अगर आप याद नहीं करते हैं तो मामला हो जाएगा। देखिए इसको याद कैसे कीजिएगा, टीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ, क्या याद करना है, टीबी रॉय ग्रेट वाइफ, वाइफ कभी ग्रेट होती कम होती है सर, वाइफ लक्ष्मी है भाई, बीवी का चला हमेशा रिस्पेक्ट करना, ये हर इमोशंस का रिस्पेक्ट कर, इसलिए सर कि वो भी अपना घर छोड़ के तेरे ही भरोसे आती है, इसलिए कभी भी उसके साथ मिसबिहेव तो एकदम नहीं हो, और ये बात का एहसास तुमको तब होगा जब अपनी बहन के साथ कोई मिस, तो कहने के लिए चला कह देता है कि भाई माई बाप के छोड़ गया बीबीए के हो, हमको ऐसा लगता है कि माई बाप को सही में छोड़ देना चाहिए, अभी का जो युग चल रहा है अब बीबीए के हो जाना, तो लग रहा होगा मजा, तो लग रहा है मजा, लेकिन ऐसा ही करना चाहिए अगर तुम शांति का जीवन चाहते हो। अच्छा तुमको रहना तो बापे माई बाप माई बाप के साथ नहीं है ना रहना है, तो रहना है बीबी के साथ, बीबी के साथ 24/7 रखना है, रहना है तो हमेशा तुम विरोध करोगे, डेली लाजू तक खाओगे, उससे बढ़िया है कि उसका सपोर्ट कर दो, ज्यादा बेहतर है, लेकिन अभी तो नहीं समझ, अभी तो तुम कहेगा मैं पर कुछ कह दी तो माँ कसम सर होगा जिंदा कहाँ छो, काट देंगे काट, लेकिन जब हो जाएगी 2-3 महीने के बाद कहेगी सर मम्मी को गाली भी दे रही है, कोई दिक्कत तू हूं अगर संग में 5 को गाली देगा, ठीक ना, इसलिए लेकिन अगर बुद्धिमान आदमी है तो दोनों को मिला के चल, ज्यादा बेहतर उपाय, लेकिन ये तू करेगा नहीं, अभी तो हम कह दें ऐसे होता है सर, माए हमारा खड़ा किए काट देंगे काट, ऐसा ऐसा कटवा सबको देखे हैं चला कि बोला काट देंगे, और जब जगह पर आया मम्मीये को काटने के जुगाड़ में लगल है, इसलिए ये सब लंबा लंबा छोड़ना नहीं है। बीबी रॉय, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड, जीना होगा जी फॉर गुड और डब्ल्यू फॉर, देखो यहां पर तुमको जो एक बार लिस्ट को देखो तुम, एक ब्लैक है, दो है, एक ब्लैक है एक ब्राउन है, जो दिख रहा है तुमको एक बी से दू गो है, जी से भी दू गो हो, और से देखो मेरी जान, वेरी गुड वाइफ का एगो जी है, एगो जी यहां है, एगो जी यहां है, दू गो बीओ है, तीन गो है, अच्छा हाँ तीन गो है, ब्लैक ब्राउन एंड ब्लू, तीन है, जी कई गो है, दू गो, एक बात बताओ, पहला तो ब्लैक फिक्स है, काला से ही शुरू होगा ये फिक्स है, पहला क्या होगा ब्लैक, अब तुम्हारे पास कई गो बी है, तो बी है दू गो जी है, जकरा में कंफ्यूजन होगा, आर फोर तो फिक्स है रेड, ओ फोर फिक्स है ऑरेंज, ये वाई फोर फिक्स है येल्लो, जी फोर, अब जी टू गो है, अब ये तुमको पता नहीं चलेगा, एक मिनट होल्ड ऑन, यहां बी भी दू गो है, एगो यहां बी एगो यहां बी, एगो जी यहां है एगो जी यहां है, हैबिंग का क्या है कुछ नहीं, जी फोर वॉयलेट सबको पता है, जी फोर तो और कोई कलर होता नहीं है, और डब्ल्यू से हो गया व्हाइट, और कोई कलर होता है क्या, अब दू गो जी दू गो बी का डिसीजन मामला गड़बड़ाएगा, नहीं गड़बड़ाएगा, ये कैसे करेगा, इसका उपाय है चला कि हमारे पास बी से दू गो है, एगो है ब्लू एगो है ब्राउन, जी से भी दू गो है तुम्हारे पास, एगो ग्रे एगो ग्रीन, अब हमको ये बताइए सर
ये ब्लू ही ब्राउन, ये ग्रे ही ग्रीन, सही है ना। अब मामला ये है कि ब्लू और ब्राउन में स्पेलिंग किसका बड़ा है, ग्रे और ग्रीन में किसका स्पेलिंग बड़ा है? पक्का ना? तो पहले बड़का स्पेलिंग, बाद में छोटका स्पेलिंग, पहले बड़ा तब ना छोटा। भैया ब्लू और ब्राउन में पहले बी को दे दो ब्राउन, अब बाद वाला बी को दे दो ब्लू, ग्रे और ग्रीन में पहले वाले को दे दो ग्रीन बड़का, अब बाद वाला को दे दो ग्रे, हो गया सेटिंग। ऐसा नहीं चला, ये सब अभी देख के सेटिंग बनाए, ये सब पे मेहनत किए हैं। बच्चा कैसे याद रखेगा, बहुत सारे किताबों में है, तो बैठ के थोड़ा, ये भी है किताबों में, लेकिन इसको बैठ के थोड़ा समझना होगा मामला कहाँ कहाँ फंसेगा। अब जैसे तुम आओगे, अगर तुमको ये याद हो गया, डीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ, डीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ, डीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ, चला। अब तुमको क्या करना है, बी से ब्लैक हो गया, ये तो जीरो होता है, डिजिट कलर कोड जिसको आप कहते हैं, ये होता है जीरो, कितना होता है, ये हो गया जीरो, हो जाएगा तब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, हाँ एट नाइन, देखे तो ठीक है, लिस्ट से मिला लो, कहीं अगर मिस नहीं हुआ होगा, ठीक है एंड ठीक। अब चला क्या करना है, हाँ ये जीरो है वहां, ये तो डिजिट हो गया यानी कलर कोड, इसके बाद टॉलरेंस है तब ना मल्टीप्लायर है, तो टॉलरेंस हो जाएगा टेन टू द पावर जीरो, हो जाएगा टेन टू पावर वन, टेन टू पावर टू, क्या है टॉलरेंस, हाँ मल्टीप्लायर, टॉलरेंस तो फिक्स है, खाली गोल्ड का होता है सिल्वर का होता है, बोलो तो मल्टीप्लायर इसका निकाल लेंगे, टेन टू पावर सिक्स ना, टेन टू पावर सेवन, टेन टू पावर एट, टेन टू पावर नाइन। अब जब हमको कलर कोड निकालना होगा, चूंकि इतना बड़ा लिस्ट तो याद रहेगा नहीं, अब तो मान लो तुमको दे दिया कि भूरा, पीला, हरा और सिल्वर, तो यही ले लेते हैं, तो ये रंग का ऑर्डर है, चला हम दिखाए थे ना उस दिन तुमको कैपेसिटी, ये ऐसे ऐसे रंगा हुआ था, रंग के ऑर्डर की बात हो रही है। अब कहेगा बताओ कितना प्रतिरोध कितना, तो पहले और दूसरे का डिजिट, कहेंगे पहले तो बी तो ब्लैक हो गया, बी ब्राउन, बी बी वन की जीरो, जीरो वन, भूरा का देखो वन होगा यहां से सर, बी फॉर ब्राउन उधर चल गया है, बी फॉर ब्राउन है, ब्राउन का कितना होता है एक, ब्राउन का होता है एक, तो एक लिख दिए। अब दूसरे का भी डिजिट चाहिए यानी कलर कोड चाहिए, बी बी तो जीरो हो गया, एगो बी तो गया, एगो बी गया ना, हाँ सर ठीक है ना, बी तो ब्लैक हो गया, सर उतना बड़ा लिस्ट याद करने से नहीं होगा, हाथे पे जोड़ लेना होगा तभी ना सवाल कट से बनेगा, बी ब्लैक हो गया उसको छोड़ दो, फिर बी आर रॉय, आर ओ वाई यानी पीला चार, मल्टीप्लाई डिजिटे याद कर लो, हरा है यानी ग्रीन है, एगो ग्रीन है एगो ग्रे है, तो ग्रीन वाला पहले वाला होगा, ग्रे लास्ट वाला होगा, बी एगो तो गया जीरो में, बी आर ओ वाई ऑफ,
टॉप में तो कुछ है नहीं, ग्रेट ग्रेट 5 ना, इसका मतलब इंटू 10^5। अब पहले सिल्वर और गोल्ड, तो जी और एस, तो जी पहले है एस बाद में है, एस बाद में है तो प्लस माइनस 10% इज द आंसर। कहे गड़बड़ा रहे हैं, हम बोले तो हमको पता है चला इस सब जगह तू गड़बड़ाएगा। जी और अरे दोस्त इस सब का सेटिंग करने में ना रातें गुजारी है हमने, तब तो अभी सट सट जा रहा है, हमरे से मिस हो जाएगा तू का उखाड़ेगा। कदी हम सेटिंग ना हमरा पता है 5-10% में तेरा डाउट खाएगा तुम, अब वही ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। बहुत बच्चा तो सर ऑप्शन ऐसा देगा ना, उतना करने का जरूरत हो नहीं है, वो मल्टीप्लायर या वो टॉप टेंस दोनों में से कोनो से पकड़ के मार देगा वो। यहाँ क्या हो, यहाँ सर ऐसा कुछ नहीं रहेगा जो रूल से बाहर जाएगा, या तो यहाँ गोल्ड रहेगा या तो सिल्वर रहेगा, अन्ना तो कुछ रहवे नहीं करेगा। कुछ भी ऐसा सर मत सोचिए जिससे ही लगता है कि सवाल नहीं बनेगा, मेरा बात समझ रहे हैं, कुछ भी ऐसा मत सोचिए जिससे आपको ये लगता है कि सवाल मेरा नहीं बनेगा। जब हम लोग आज से नहीं पढ़ा रहे हैं चला इलेक्ट्रिकल, हमको लगता है 40वां या 41वां बैच हो, सब बैच में यही सवाल आता है बच्चों का। मान लीजिए सर, या और जवाब होना भी चाहिए, बच्चों के मन में सवाल उठेगा तब तो होगा, बच्चों के मन में सवाल उठना चाहिए। इसके लिए हम तुमको क्या जवाब दिए थे, हम पहले बोल दिए थे तुमको, शायद याद नहीं है, हम ये बोले थे कि किसी भी प्रकार का वैसा सवाल नहीं बनाना है जिससे कि सवाल ना बने। गलत बोल रहे हैं सर, आपको ऐसा काम करना बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ। आओ चला उतना थोड़े करना है, यहां देखा सिल्वर ऑप्शन मरा जाएगा, प्लस माइनस 10% मार के आगे बढ़ो ना, उतना का करना नहीं हो जाएगा। अब तुम देख रहा है कि दो ऑप्शन में प्लस माइनस 10% है, एक वो पहला वाला का चेक कर लो, कहां यहां ने फंसेगा तो यहां चेक कर लो, यहां ने फंसेगा तो यहां चेक कर लो, नहीं होगा तो पूरा बनाने में कितना टाइम लगेगा। हाँ जनगण मन है, हाँ बन जाएगा, एकदम बन जाएगा। एनी डाउट, यदि केवल तीन रंग, इसलिए हम लाइन अलग से लिखे हैं, जो तू नोट देख रहा है ना कि किताबों में नहीं है, कि गुरुजी ने लिखा है, इसलिए लिखा कि बच्चों के मन में ये सवाल आता है, मतलब मेरे किताब में है नहीं, और एक दो लोग भी लिखे हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब अनशेड्यूल्ड वे में लिखे। बच्चा को चाहिए डायरेक्ट मटेरियल, ये बात हो तो डायरेक्ट हो, इन्हें की पता चला पदार्थ किसको कहते हैं, ओकर इतना बड़का डिफिनेशन है, लास्ट में कहता जो स्थान छकता हो जिसमें बाहर हो पदार्थ कहते हैं। बर्नौली का प्रमेय पढ़ लो तुम किसी किताब में, किताब लिखने वाला लिखता है इतना बात लिख ले है, हम चला बर्नौली का प्रमेय प्लस टू में पढ़ते पढ़ते थक गए, मेरी माँ हमको समझ में नहीं आई। जब हमने लास्ट में बर्नौली के प्रमेय को कंक्लूड किया तो उसमें पता चला कि अगर गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो दाब घटेगा, दाब घटेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, पहला ऑथर हम बने जो बर्नौली के प्रमेय को एक लाइन में खत्म कर। क्वेश्चन न बनाना है रे, कभी मेरे किताब में बर्नौली पढ़ना, और कभी तू टेक्स्ट बुक में बर्नौली पढ़ना, तुम घूम फिर के आएगा वहीं, झूठ मूठ का तोरा वो इतना घुमाएगा, बच्चा थक जाता है पढ़ते पढ़ते। सीबीएसई बोर्ड वाला जो बच्चा होता है उसको एकदम सॉलिड पॉइंट मिलता है। अभी भी हमारा जो बिहार बोर्ड का जो सिलेबस टेक्स्ट बुक लिखा हुआ है वो बड़ा गंदे तरीके से लिखा हुआ है, वो तरीका ठीक नहीं है। टेक्स्ट बुक आप पकड़िए, सीबीएसई बोर्ड का आप टेक्स्ट बुक लीजिए, आपको एग्जैक्ट डिफिनेशन मिलेगा, एक लाइन में डिफिनेशन कंप्लीट। हम आईसीएसई बोर्ड के बच्चा को एक बार पढ़ा रहे थे ट्यूशन, वहां दिया था यांत्रिक, हमको एक एक चीज चला याद है, जब हम ट्यूशन पढ़ाते थे किसी को पढ़ाओगे तो 5 गुना ज्यादा समझ में आएगा। डिफिनेशन था यांत्रिक ऊर्जा क्या है, डिफिनेशन था कि वह कार्य जो हमारे मसल्स के द्वारा किया जाए या हमारे मसल्स को आसान पहुंचाए उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं।
आसान सा डिफिनेशन है, उसी को आप अल बल खोजते रह जाइएगा, नहीं मिलेगा। एक होता है जब दांत में कुछ फंस जाए तो क्या करना चाहिए, पचमा में था वो, रेड लेके इसे से करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, डंटा लेके घुस, रेड मतलब धागा लेना चाहिए, और धागा लेके आप बहुत आसानी से, आप करके देखिएगा इतना आसानी से निकल जाएगा कि कहने सुनने से। चिकन खाते हैं मटन खाते हैं तो फंस जाता है ना, आप कुछ मत कीजिए, वो धागा लीजिए और धागा लेके ऐसे कीजिए, पट से निकल जाए। अब वही हम लोग क्या करते हैं, वो लकड़ी का डंटा लेते, वो निकल रहा ये, जबकि वो एकदम आसान काम है, पढ़ाई का सही यूज चला वही ना हुआ। लेकिन जो हम लोग नहीं करते, वायरिंग है मेरे दोस्त, वायरिंग अलग अलग विधियों से की जाती है। देखता होगा सन 1956 की वायरिंग और अभी के वायरिंग में तुमको बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आएगा। पहले क्या होता था, कहीं तार लटकल है, कहीं एक गो रूम में मेन कनेक्शन आया है, और यहीं से हर रूम में दौड़ा दिया गया है। अगर आपको किसी के रूम का लाइट ऑफ करना है, आपको मेन एंट्रेंस में जाके लाइट ऑफ। अब ऐसा है क्या, अब तो अभी हम घर बनाए हैं, हम अपने बेड के पास टू वे स्विच दिए, टू वे स्विच समझता है, हम काटे तैयो लाइन कट जाए या पंखा कट जाए, टीवी बंद हो जाए, और मेरी बीवी उस साइड से काटे तैयो लाइन पंखा ऑफ हो जाए। तो कहते हैं टू वे स्विच, टू वे स्विच मतलब कोई एक आदमी ऑफ करेगा तो ऑफ हो जाएगा, कोई एक आदमी ऑन करेगा तो ऑन, दूसरा का ऑफ भी है, अगर पहला ने ऑन किया ऑन हो जाएगा, दूसरा का ऑन है दूसरे ने ऑफ किया तो ऑफ हो जाएगा। तो कहते हैं टू वे स्विच। उसके अलावा तो हम अपने घर का वायरिंग अपने से करवाए हैं, मतलब एकदम खड़ा होकर हम उसको प्लान दिए, ऐसे 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 करो, एक महीना लगा हमको प्लान सोचने में। अभी जाओ मेरे, अभी हो ये रहा है काम, बेड पे सो गए मान लो, ऐसे हमको मन है कि हम एक किताब पढ़ना चाहते, ये बात पता है कि हम पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, कल होके मारपीट होगा इससे, भैया अभी से मामला बना के रखते हैं। ये वो क्या किए हैं, बेड लाइट दिए हैं, सिर्फ किताब पे ही फोकस हो, स्प्रिंगी लाइट होता है ठीक ना, वो ऐसे लगाएंगे, ऐसे पकड़ के लाएंगे, बॉल ऐसे आएगा और हम किताब पे फोकस करके पढ़ सकते, मैडम को पढ़ना है तो मैडम के लिए भी वहां से लाइट आ जाए और हमारी आंखों तक नहीं आएगा। तो हम लोग कहते हैं छाया बिंब बनना, मतलब एक ऐसा सेडेड लाइट आएगा जो सिर्फ जिसमें ध्रुवन की घटना होगी और प्रकाश को एक ही डायरेक्शन में भेजेगा। ध्रुवन की घटना प्रकाश के साथ होती है जबकि ध्वनि के साथ, हमने क्या किया उस लाइट में ध्रुवन की घटना को अंजाम दिया और वो लाइट सिर्फ और सिर्फ मेरे बुक्स पे आएगी और मेरी आंखों को भी असर नहीं पड़ेगा और मैडम को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप वायरिंग को समझिएगा ना, तो आपको बहुत जगह लगेगा, घर बनेगा लगेगा यहाँ मत दो, वहां दे दो, इसको ऐसे कर दो, इसको वैसे कर दो, उसको वैसे कर दो। आप समझिए खाली वायरिंग आप सीख जाते हैं तो आप महीने का 50,000 रुपया बहुत आसानी से कमा सकते हैं। कहते हैं थ्री इडियट का वो डायलॉग जब याद आता है तो अभी भी मेरा रोआ खड़ा हो जाता है। कामयाब इंसान बनो या भी झक मार के तेरे पीछे, सरकारी नौकरी की बात छोड़ दो मेरे दोस्त, पहले तुम सारी चीजों अपना हुनर तो सीखो। इलेक्ट्रिशियन ऐसा चीज है कि तुम छोटे छोटे इलेक्ट्रिशियन का मात्र कुछ क्लासेस करके तुम महीने का 50,000 रुपया कमा सकते हो। जो वायरिंग करने वाला आता है चला, जो उसका ठेकेदार होता है, तो सिर्फ ये पता है कि एमसीबी का कनेक्शन कैसे होता है, फैन का रेगुलेटर कैसे कनेक्ट होता है, एसी का कनेक्शन कैसे होता है, टीवी का कनेक्शन कैसे होता है, और कैसे पाइप में कौन फेज जाएगा, कौन न्यूट्रल जाएगा, किसका कलर क्या होता है, ये सब नौकरे पता, इतने नौकरा पता है। तो लेवर लाता है, कहता तोड़ो, टट 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 टट, इस कैसे तोड़ो, इस कैसे तोड़ो, यहाँ मेन स्विच दे देना, यहाँ एमसीबी दे देना, यहाँ ये दे देना, यहाँ वो दे देना, वहाँ वो दे देना, और लेता है 15,000 टका। 15,000 में उसका खर्चा कितने का है, 2 से 3 हजार का, 6 गो लेवर लगता है, 13,000 का इनकम हुआ एक साइड से। एक बार आया दिखाया प्लान, अब दोबारा आएगा विजिट में लास्ट में पेमेंट लेने के लिए, 13,000 रुपया उसका सॉलिड बचत है, क्योंकि 6 से 8 गो लेबर वगैरह लगता है। अब तुम सोचो एक साइड से 13,000 रुपया कमा लिया एक फ्लोर से, 5 फ्लोर का मकान है तो 13×5 65, और कभी भी तुम उसको बुला लो कि फलना वायरिंग में चिलना चीज जल गया है, 1,000 ढकेलना जल गया है, 3,000 गलत बोल रहे हैं। हम लोग मोबाइल ठीक करवाने जाते थे, हम लोग की कर रहे हैं, देखिए तो ये मोबाइल में तनी आवाज नहीं आ रहा है, दे दिए मोबाइल,
अब वो कहेगा कल आइएगा, ओकरा में हुआ की है तो हो सकता मोबाइल गिर गया होगा, तो गिरने के बाद आवाज नहीं आ रहा, तो हुआ ये होगा कि उसमें जो दो लाइन और न्यूट्रल है वो आपस में सट गया होगा, सटने के कारण विद्युत धारा का प्रवाह शॉर्ट सर्किट में होने लगा होगा, प्रतिरोध कम हो गया होगा, धारा का प्रवाह उधरे से हो गया होगा। वो क्या करेगा, वो इसे लेगा, खोलेगा, चुटवा से ओकरा अलग कर देगा। मोबाइल ठीक हुआ ना, वो दिन थोड़े देगा, वो दिन कहेगा कम से कम 800 रुपया लगेगा ओकरा में, खर्चा है जी साफ, वो स्पीकर स्पीकर उड़ गया ओकर। अब तुम कहोगे यार ठीक कर दो, 20,000 का मोबाइल है, 800 लग ही जाएगा, तो लगा देंगे। अब उसमें लगा क्या उसका भाई, तो उसके पास दिमाग है, उसका पैसा लेगा तुमसे, एक लाइन का बात। मेरे मित्र तुमको अब वायरिंग है, वायरिंग में पहले जो विधि यूज होता था ना वो जनरल क्लीट वायरिंग यूज होता था, ये इसको क्लीट कहते हैं, ये देख रहे हो, ये क्लीट वायरिंग, क्लीट मतलब लूज वायरिंग, नहीं देखता कांटी वांटी ठोक के हम लोग वायरिंग कर देते हैं। एक वायरिंग होता है सर कि रूम बाय रूम बोर्ड हो, जैसे ही देखो ये रूम में बोर्ड है, अगले रूम में भी बोर्ड हो, उस रूम का कंट्रोल उस रूम में, इस रूम का कंट्रोल इस रूम में हो। एक वायरिंग होता है कि एक ही जगह सब कुछ हो और वहीं से हर रूम में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कुछ जगहों पर तार ज्यादा लगेगा तो रिस्क कम होगा, कहीं कहीं ऐसा होता है चला कि मान लो यही रूम सब जगह कनेक्शन हम दे दिए, तो यहां खराब हुआ तो सब जगह ना खराब हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा वायरिंग नहीं होता है। अब अगर एक वो रूम में खराब होगा तो सिर्फ उसी रूम में खराब होगा, सब तो रूम में खराब नहीं होगा। पहले क्या होता था, एक वो कहीं से ऑफ हुआ मतलब सबके बिजली गया, तो अलग अलग मेथड से वायरिंग के, कहीं पर तार ज्यादा खर्चा है तो वहां दोष खोजना आसान है। अभी मान लो ई रूम में लाइट नहीं जल रहा था, सब तो अंडरग्राउंड वायरिंग है, वायरिंग अंडरग्राउंड ना है। अब चला कैसे पता चलेगा कि भैया, पता चला ये पूरा बिल्डिंग में लाइन दिया हुआ है, आई एक जगह ऑफ हुआ सब, एक जगह गड़बड़ हुआ सब ऑफ हो गया, पते नहीं चलेगा कहाँ गड़बड़ हुआ है। अब तो चला तब तो पूरा बिल्डिंग है कि फिर से तार को खोद खोद के निकाल के देखना होगा कहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया है। लेकिन अगर रूम बाय रूम हम अलग कर देते हैं, सबका एक अलग अलग कनेक्शन देते हैं, इन देते हैं सबका अलग अलग, तो एक रूम का जाएगा, दूसरा का रहेगा, तीसरा का रहेगा, चौथा का रहेगा, तो उसी रूम पे कंसंट्रेट करेंगे कि उसका एमसीबी शॉर्ट सर्किट तो नहीं, उसका स्विच तो शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, कहीं पर शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया है। अब शॉर्ट सर्किट भी अब ऐसा वायरिंग हो गया है कि अगर बल्ब मान लो पूरे रूम में 20 को बल्ब लगा हुआ है तो किस बल्ब में सर मामला गड़बड़ाया है वो एग्जैक्ट पता चल जाएगा बहुत आसानी, सबका जुगाड़ है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले लूज वायरिंग था, एक जगह गड़बड़ हुआ सब गड़बड़ हो गया। तो सर क्या होता था, तार भी ज्यादा लगता था, तार ज्यादा लगता था, बहुत सारा हमारा कॉस्टिंग ज्यादा होता था। कि जो पहला विधि है वायरिंग, वायरिंग सिस्टम और भारतीय विद्युतीय नियम, भारतीय विद्युत नियम तो सर आपको याद रखना होगा, फिक्स है। जैसे वो कहता है कि घर से 1.5 मीटर दूरी पर ही अर्थिंग होना चाहिए, भारतीय विद्युतीय नियम कहता है कि घर से 1.5 मीटर दूर ही अर्थिंग होना चाहिए। 1.5 मीटर दूर की तो घर है तो 1.5 मीटर हटा के तो अर्थिंग करना है। हम लोग क्या करते हैं, घरे में रड जो निकल रहा छतवा में डाल देते, इलीगल है। अगर आपके यहाँ कोई रेंटर है और आपने सर वैसा किया है और वो आदमी मर जाता तो आप पे केस बनेगा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार, क्या आपने अर्थ, लेकिन वैसा दरोगों को नहीं बुझाता है वो केस क्या बनेगा, दरोगा को बुझाता है कि ऐसे हुआ होगा तो वैसे हो गया होगा। आप समझिए कि अगर आपने रड में अर्थ दिया हुआ है और वज्रपात हो जाता है, मरने की संभावना 40 से 50% बढ़ जाती है। और वही अगर घर से 1.5 मीटर दूर अर्थिंग दिए हुए हैं, क्योंकि भारतीय इलेक्ट्रिसिटी रूल है, तो आपके मरने की संभावना 5 से 10% मतलब 30 से 40% कम हो जाती है, जबकि हम लोग ऐसा अर्थ अगर आ गया है, अर्थ आया है, अर्थ तो ऑलरेडी फिर ट्रांसफार्मर के पास अर्थ है, तब तो कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन अर्थ अगर नहीं आया है और अर्थ आप बना रहे हैं तो आपको घर से कितना मीटर दूरी दे, अरे गांव में तो न्यूट्रलो नहीं आता है, एक को फेज आता है, अर्थे को हम लोग न्यूट्रल बना के यूज करते हैं। अब मामला क्या है सर, जैसे हम लोग अगर वायरिंग करते हैं, वायरिंग में बहुत सारे दोष भी हो सकते हैं, कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पा रहा है, प्रतिरोध उच्च हो गया, कहीं जल गया, कहीं क्या, हर चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग वायरिंग करते हैं।
इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल लास्ट में सर लिखा हुआ है, उस सबको आपको बार बार रिवाइज करके पढ़ना होगा, अगर कोई उपाय नहीं है। एक है ट्री विधि, कौन विधि? इस विधि में बहुत सारे जोड़ होते हैं, नाम है ट्री, ट्री समझता है पेड़, पेड़ में क्या होता है, एक जगह जड़ होगा और सब जगह तना, जड़ एक के रहेगा, वही बात हो गया, एक जगह बोर्ड होगा तब बात बुझ रहा है। कहते हैं इस विधि में बहुत अधिक जोड़ होंगे क्योंकि हर जगह थोड़ा जोड़ जोड़ के निकालना होगा। पेड़ में जैसे बहुत सारा तना होता है ना, वैसे इसमें भी बहुत सारा क्या होगा, जोड़ होगा। इस विधि में केबल तार की आवश्यकता कम होती, क्योंकि एक के तार गया उसी में डिस्ट्रीब्यूट हो, इसमें क्या होगा, हर रूम के लिए तुमको तार लाना हो। ट्री विधि नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विधि है, बोर्ड अलग अलग बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूशन किए, इसमें क्या होगा, हर जगह तुमको तार लाना होगा। देखना यूं यूं तार आता है, 10 गो 20 गो तार आता है, लेकिन इसके एडवांटेज है कि कटेगा तो एक जगह कटेगा। इसमें इस विधि में केवल तार की आवश्यकता, अच्छा बताओ चला, अभी हम एगो तार यहां से ले लें, एगो फेज, एगो न्यूट्रल, और वहां जाएं एगो ऊ रूम आए तो ऊ रूम में एगो तार बल्ब लगा दें, फिर आगे जाएं ऊ रूम में तो वहां तार बल्ब लगा दें, फिर ऊ रूम में तार बल्ब लगा दें। अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विधि है, इस बोर्ड में हमको नीचे से मेन लाके इसमें देना होगा, फिर उस बोर्ड में मेन लाके उसको देना होगा, तब ना अलग अलग होगा। तो कहते हैं मेरे दोस्त इस विधि में केबल तार की आवश्यकता कम होती है, इसका प्रारंभिक कीमत बहुत कम होता है, लेकिन सर बाद में बड़ा दर्द देगा, ये वो कहीं से कट हुआ तब बंद, इसकी प्रारंभिक कीमत कम होती है जो पहले यूज होता था, ये वो कहीं पर बोर्ड है हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इस वायरिंग विधि में फ्यूज बिखरे हुए होते हैं, मतलब अलग अलग रूम के लिए अलग अलग फ्यूज बिखरे पड़े होते हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विधि में ऐसा नहीं होता है। इस विधि में दोष खोजना आसान नहीं होता है, क्योंकि सर एक जगह दोष हुआ तो सब ऑफ हो गया, पता नहीं चलेगा कहां पर दोष है। अगर एक एक रूम में ऑफ हुआ तब तो दोष खोजना आसान है कि यह रूम में दोष है। तो ये जो ट्री वायरिंग है, ट्री वायरिंग में एक जगह बोर्ड रहेगा, हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा मेरे दोस्त, तो मामला क्या होगा कि इस विधि में दोष खोजना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, एक एक तार जाएगा उसी से सब डिस्ट्रीब्यूट हो, पर इस विधि में दोष खोजना मुश्किल हो जाएगा, आप दोष खोज नहीं पाइएगा, इसीलिए अब ये विधि यूज नहीं होता है। लोड के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर मिलने वाली वोल्टेज क्या होती है, समान नहीं होती है। अभी देखो ये घर में हर बिंदु पर वोल्टेज समान, आप बोलोगे क्यों, सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होता है। जैसे अगर मान लो ये बोर्ड है और इसी से तार गया ट्री विधि में, सीरीज में लगल है, सीरीज में लगेगा तो हर जगह चला वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग, हर जगह वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विधि जो है पैरेलल में होता है, आप पढ़े होंगे घरों की वायरिंग समानांतर क्रम में होती है, पढ़े हैं, तो समानांतर क्रम में हर जगह वोल्टेज समान हो। अच्छा एक बात बता, गांव में तुम देखना, गांव घर में पहले जो हम लोग वायरिंग करते थे उसमें क्या करते थे कि एक बार पहले, अभी नहीं, अभी तो घर अगर मकान का बन गया होगा तो पैरेलल में कर दिया होगा, पहले क्या होता था देखना, एक बार आयरन दिए ना, आयरन का प्लग या हीटर का प्लग जैसे लगाए तब पंखा कहता था, बल्ब जाता था, क्योंकि ट्री विधि था, सीरीज में रहता था सब, अब पैरेलल में रहता है, अब वोल्टेज घटता बढ़ता नहीं, तुम यहां लगा दो प्लग किसी का वोल्टेज घटेगा बढ़ेगा। कहते हैं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर मिलने वाली वोल्टेज समान नहीं होती क्योंकि यह सीरीज में होता है। यह विधि देखने में इतनी अच्छी, जो पहले वाला विधि था वो देखने में अच्छा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विधि अच्छी है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विधि आजकल चल रही है, देखो अलग अलग बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, यही घर में देखो ना, 1 2 3 4 5 4 गो बोर्ड लगा हुआ है, अलग अलग बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं करंट को, इसमें सर सब कुछ आपको पॉजिटिव मिलेगा। कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विधि या सामान्यतः इस विधि का, आजकल सामान्यतः इस विधि का प्रयोग हो रहा है। इस विधि में दोष खोजना आसान होता है, सर्किट में भिन्न भिन्न बिंदुओं पर उपलब्ध वोल्टेज क्या होता है, घर में हर बिंदु पर वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। इस विधि में केवल तार की आवश्यकता अधिक होती है क्योंकि सर हर बोर्ड में तार आपको लाना होगा अलग अलग, तभी ना दोष खोजना आसान होगा। इस विधि में केवल तार की आवश्यकता अधिक होती है।
और सर्किट का नवीनीकरण या बढ़ाना बहुत ही क्या होता है सर, कुछ भी आप इसके साथ कर सकते हैं, सब कुछ संभव है। इस विधि को देखने में भी विधि देखो अच्छा लग रहा है। अभी देखो ना घरे में तुम देखो ना, ई डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विधि है ही जो तार लगल है तोहर, ये नॉर्मल ट्री विधि न तार जी ठोकल है, इस ट्री विधि देखने में अच्छा लग रहा है या विधि देखने में अच्छी, कौन विधि देखने में अच्छी, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विधि की ट्री विधि, कौन विधि, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विधि। बहुमंजिल इमारत में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वायरिंग प्रणाली का प्रयोग करते हैं, अलग बहुत सारा मंजिल है अलग अलग करेंगे तब ना चला बढ़िया रहेगा, ट्री विधि कर दोगे तो एक मंजिल ऑफ मतलब सब ऑफ, फिर वायरिंग की विधियां हैं। बताओ घरेलू वायरिंग कौन विधि से होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विधि से। यह भी पांच प्रकार का है, यह भी कितने प्रकार का है, पता है निम्न पांच प्रकार की होती है कि हम लोग आगे पढ़ने वाले। तो सर बताइए जो पहले यूज करते तो ट्री विधि था कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विधि, हाँ उसका बहुत सारा डिसएडवांटेज है उसमें, लेकिन ये वो मामला प्लस में है कि उसमें केबल कम लगता है क्योंकि एक के तार में हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विधि में तार खाली ज्यादा लगता है बाकी सब पॉजिटिव है, वोल्टेज समान होता है, दोष खोजना आसान होता है, तार ज्यादा लगने के कारण महंगा होगा कौन, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विधि की ट्री विधि, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विधि ना, क्लियर है। टीवी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ, अब बी फॉर ब्लैक हो गया, बाद बाकी जो दू गो बच गया बी, उसका मतलब एक मतलब ब्राउन एगो ब्लू, और दू गो जी है एगो ग्रीन एगो ग्रे, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।